सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी और मैं हूँ डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज मैं बात करूंगा एक बहुत विशेष टॉपिक पे और इस टॉपिक का महत्व इसीलिए विशेष है क्योंकि ये आपके दिल से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपकी ओवरऑल हेल्थ से, ये जुड़ा हुआ है महिलाओं की समस्याओं से, ये जुड़ा हुआ है आपकी त्वचा के रोगों से, ये जुड़ा हुआ है आपकी हड्डी की समस्या से। कुल मिलाकर ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके शरीर में होने वाले बहुत सारे जरूरी पोषक तत्वों के लिए जरूरी है और बहुत सारी गतिविधियों के लिए जरूरी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खाद्य पदार्थ की जो आपको बीमारियों से बचाता है और इस जमाने में, इस दुनिया में जो बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली दुनिया है उसमें बहुत ही सस्ता और बहुत ही जरूरी सोर्स है। नाम है अलसी या फ्लैक्सीड। आखिर फ्लैक्सीड या अलसी क्यों जरूरी है और ये खाद्य पदार्थ के रूप में इसका सेवन कैसे किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं और ये क्यों जरूरी है, इस बारे में हम आज बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का विषय, और मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा और मैं आपसे अलसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और क्यों मैं आपको बार बार अपने वीडियोज में लगभग सभी वीडियोज में मैं ये बोलता हूं कि आपको अलसी रेगुलर खानी चाहिए। क्यों? देखिए, अलसी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अलसी के बीज को आप यूज करें, इसमें औषधीय गुण बहुत ज्यादा हैं, बीमारियों से आपको बचाता है और ये बहुत सारे पोषक तत्वों का सोर्स है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। विटामिन B1 इसमें पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर्स हैं, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, सेलेनियम, आयरन, एकदम बढ़िया स्रोत है ये और इन सभी चीजों का, और जो कि नेचुरल सोर्स है। अब हम जानते हैं कि ओमेगा 3 क्या करता है और आगे भी जानेंगे कि अलसी के बहुत सारे क्या क्या उपयोग हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होने के कारण अलसी हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करता है और हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। औषधि के रूप में यदि आप अलसी का प्रयोग करें तो ये बहुत सारी बीमारियों के लिए चमत्कारिक हो सकता है। कैसे करें? अलसी को खाली पेट खाएं, खाना खाने के बाद खाएं, कच्चा खाएं, भूज के खाएं, पीस कर खाएं, उबाल कर खाएं, जूस बनाकर पिएं, क्या करें? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं बात करूंगा कि अलसी में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं, मतलब व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स इन फ्लैक्सीड ऑयल। अलसी के तेल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं? पोषकता के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है, सबसे फायदेमंद भोजनों में से एक है और अलसी में सभी मात्रा, सभी लगभग जितने भी आपके पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा लगभग निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत अच्छा और निरंतर सेवन करने के लिए बना एक फायदेमंद पोषक पदार्थ है आपके लिए और इसको आप ले सकते हैं। कैसे लें? पहले जानते हैं इसमें क्या है। एक चम्मच यदि अलसी आप लेते हैं तो इसमें क्या मिलेगा? एक चम्मच अलसी में आपको मिलेगी 55 कैलोरीज, 55 कैलोरीज आपको मिलेगी, 3 ग्राम के आसपास फाइबर्स इसमें होंगे। ये एक चम्मच अलसी के बारे में बता रहा हूं। 2 ग्राम के आसपास इसमें प्रोटीन हो गया। हम इसको मान के चलते हैं कि एक चम्मच मतलब 10 ग्राम, लगभग एक तोला। 10 ग्राम अलसी में आपको 55 कैलोरीज मिलेगी, 3 ग्राम फाइबर, 2 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट, 40 मिलीग्राम के आसपास मैग्नीशियम, 0.3 मिलीग्राम मैंगनीज, लगभग 65 मिलीग्राम के आसपास फास्फोरस रहेगा, 0.1 मिलीग्राम के आसपास कॉपर, 0.2 मिलीग्राम के आसपास थायमिन या विटामिन B1 और 3 मिलीग्राम के आसपास सेलेनियम। टोटल यदि आप देखें 10 ग्राम के आसपास यानी लगभग एक चम्मच अलसी में इतनी मात्रा होती है। कैलोरीज आपकी 55 कैलोरी है, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, कॉपर, विटामिन B1, थायमिन जिसको बोलते हैं, और सेलेनियम। ये सारे बहुत जरूरी सोर्सेस हैं और आयरन का भी एक अच्छा सोर्स है। हालांकि आयरन इसमें कम होता है, पोटेशियम ज्यादा मिलेगा आपको और जिंक भी इसमें मौजूद होता है, लेकिन
एक और बहुत काम की चीज है वो ये है कि इसमें सोडियम की मात्रा नहीं के बराबर होती है। तो यदि जो लोग अलसी खाते हैं और ज्यादा मात्रा में 3 से 4 बार दिन में यूज करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि ये सोडियम की मात्रा कम होती है, पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें होता है, तो आपका ब्लड प्रेशर को लो रखेगा ये। अलसी के क्या औषधीय गुण हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम इसमें बात करते हैं। तो अलसी को कुछ विशेष कामों के लिए जाना जाता है। पहली बात तो ये, अलसी कोलेस्ट्रॉल कम करता है, वजन कम करता है, दिल की बीमारियों में आता है काम, आप स्त्री रोग में इसका यूज करते हैं, स्किन के लिए यूज करते हैं, हड्डियों में यूज करते हैं। तो वजन कम करने के लिए अलसी का क्या उपयोग है, चलिए समझते हैं। अलसी में बहुत ज्यादा हाई फाइबर्स होते हैं और लो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब वजन कम करने के लिए आपके पास सबसे सही यदि कोई फूड है तो वो है अलसी। प्रचुर मात्रा में फाइबर है, तो फाइबर का सेवन करने से त्वचा में नमी रहेगी और सुंदरता बरकरार रहेगी। मतलब अलसी के बीज का नियंत्रित रूप से आप यदि सेवन करते हैं तो खराब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी से कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है मतलब वेट आप लूज करेंगे। अलसी में मौजूद फाइबर की एक खासियत होती है, अलसी का फाइबर घुल जाता है और इंसान में जो भूख लगने की प्रवृत्ति होती है वो उसको मिटा देता है, जिसके कारण इसमें वजन को कम करने की क्षमता आती है। यदि आप निरंतर इसका सेवन करते रहे, मतलब लगातार लेते रहे, तो ये फाइबर आपके पेट को भर देता है और मस्तिष्क में ये एक संदेश भेजता है कि अब खाना खाने की जरूरत खत्म हो गई है, इसलिए अब खाना रोक दिया जाए, मतलब वजन कम होगा, वजन बढ़ेगा नहीं। कुछ स्टडीज में यह पाया गया है कि अलसी को वजन कम करने के लिए नियंत्रित करने वाले आहार के रूप में, मतलब वेट लॉस डाइट के साथ इसको लेना चालू कर दें, तो शरीर में ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करता है, शरीर में वेट लॉस के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है। तो मोटापा यदि आपको हो रहा है तो आप अलसी ले सकते हैं। दिल की बीमारियों के लिए भी अलसी बहुत फायदेमंद है। हार्ट डिजीज में अलसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें पाया जाता है ओमेगा 3, जो मैंने आपको पहले बताया, जिससे ये हार्ट बीट जो आपकी होती है उसको सामान्य रखने में मदद करता है। हृदय की जो धमनियां हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। मतलब अलसी यदि आप खा रहे हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हृदय की जो धमनियों में जमा है वो कम हो जाएगा और स्पीड से आपका ब्लड फ्लो जो होता था, जिसमें ताकत लगाना पड़ता था, एफर्ट लगाना पड़ता था आपके हार्ट को, वो नहीं लगाना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल पे आएगा, हार्ट अटैक की संभावना इससे बहुत कम हो जाती है। साल 2010 में एक अध्ययन हुआ और उस अध्ययन में यह पाया गया कि हर रोज यदि आप 100 मिलीग्राम अलसी के बीज खाते हैं तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा अलसी में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भी होते हैं, कम कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, फाइबर भी होते हैं, जिसके शरीर में आपका जो अतिरिक्त फैट है वो भी आपका खत्म हो जाता है और शरीर की एक तरह से सफाई होती है। मतलब अलसी दिल के लिए एक औषधि का काम करता है। तो पाचन तंत्र में भी अलसी का वैसा ही रोल है जैसा आपने देखा हार्ट के केस में। फाइबर होने की वजह से अलसी पाचन तंत्र के लिए बहुत चमत्कारी होती है और इसके सेवन से पेट की जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, कब्ज हो गया, या सूजन वगैरह आती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह है, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अलसी में चिकनापन होता है। अलसी की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है कि अलसी चिकनी होती है और चिकना होने की वजह से अलसी आंतों की जो मूवमेंट है, आंतों की पेरिस्टाइसिस मूवमेंट है, जो स्लगिस मूवमेंट होती है, उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करती है, मूवमेंट को बहुत बढ़िया बनाती है और आंतों की पेरिस्टाइसिस मूवमेंट की वजह से और चिकनाहट की वजह से जो खाना है वो डाइजेस्ट होकर प्रॉपरली आपके आंतों से बाहर निकल जाता है। अलसी के बीज को नाश्ते में सेवन की सलाह दी जाती है। अलसी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होते हैं। फाइबर जो है वो पाचन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं और एक प्राकृतिक लैक्सेटिव जिसको बोलते हैं, लैक्सेटिव को मतलब होता है रेचक, ये खाने को पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो नेचुरल लैक्सेटिव है और इसलिए कुछ लोग भुनी हुई अलसी को पानी को लेते हैं, लेकिन मैं सलाह देता हूं भुनी हुई अलसी ना लें, अलसी को आपको कच्चा लेना है और कच्चा ही चबा के खाना है। जो लोग चबा के ना खा पाए वो पीस कर लड्डू बना सकते हैं, या बहुत सारे तरीके हैं, मैं उनको भी बताऊंगा। तो अलसी के कुछ बेनिफिट्स, मुझे इस बारे में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आगे रिसर्चेस आ रही हैं और मैं उसको इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि अलसी के कुछ बेनिफिट जो हैं वो कैंसर के जैसे ड्रग के रूप में यूज होता है और कैंसर में भी जैसे इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर और स्किन डिसीजेस में भी, बहुत स्किन कैंसर में भी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके मदद करते हैं।
पर इस बारे में अभी जो रिसर्चर्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा मिले नहीं है। मैं जैसे ही रिसर्चर्स वगैरह कुछ आएंगे इस बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा और बताऊंगा आपको। तो डायबिटीज में भी अलसी का रोल है। आज के बदलते परिवेश में हर एक दूसरे इंसान को डायबिटीज हो रहा है, एक इंसान को, दूसरे इंसान को, तीसरे को डायबिटीज मिल रहा है, और ऐसे में अलसी का प्रयोग करके आपके शरीर में बढ़े हुए शुगर लेवल को चमत्कारी रूप से आप कम कर सकते हैं। लिटरली ऐसा प्रैक्टिकल हो रहा है, अध्ययन हो रहे हैं। लिग्निन इसमें पाया जाता है जो शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। शोध में यह भी पता चला है कि यदि एक चम्मच अलसी एक महीने तक आप निरंतर सेवन करते रहें तो रक्त में शुगर आपका कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा और जो HbA1c की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आपकी कम हो जाएंगी। तो ये अलसी के फायदे हैं। और टाइप 2 डायबिटीज के लिए, मधुमेह से पीड़ित टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए अलसी के सेवन की सलाह बहुत दी जाती है। इसमें कोई नुकसान नहीं है और फायदा ही बहुत है। कहते हैं कि अलसी कफ जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, कफ को कम करता है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्याएं जिनमें रेगुलर बनी रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और पुराने जमाने में अलसी तेल का सेवन बहुत किया जाता था, आजकल नहीं के बराबर हो गया है। त्वचा और बालों के लिए तो इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि विटामिन बी से भरपूर होता है और विटामिन बी त्वचा के लिए काफी अच्छा है। ये त्वचा के रूखेपन को दूर करता है और त्वचा में चमक लाता है। ओमेगा 3 की वजह से चेहरे के जो दाग धब्बे भी हैं वो भी सही हो जाते हैं। और त्वचा के अलावा अलसी नाखून और आंख को भी बहुत फायदा पहुंचाता है। कुल मिला के अलसी का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है स्किन के लिए और बालों के लिए भी। झड़ते हुए बाल, गंजापन, उसको रोकने के लिए अलसी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लगातार अलसी का सेवन करते तो बाल आपके स्वस्थ रहेंगे और जड़ें मजबूत रहेंगी, त्वचा में चमक आएगी, बालों में मजबूती आएगी। अलसी का नियमित सेवन आप करते रहें तो रोजाना आपको कितना लेना है, लगभग 2 चम्मच दिन में 3 बार की मात्रा में। मैं अक्सर बताता हूँ इस बात को और मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे 3 से 4 वीडियो में मैं लगातार अलसी के बारे में बताया था और मैं अक्सर अपने वीडियोज में ये बताते रहता हूँ। उन लोगों में या उन महिलाओं में जिनमें मासिक धर्म की अनियमितता होती है, अलसी का सेवन बहुत अच्छा माना गया है। अलसी हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है उसको अच्छा कर देती है। अलसी में लिग्निन पाया जाता है जिससे महिलाओं में मेनोपॉज की समस्या जो है वो अर्ली मेनोपॉज वाली वो कम हो जाती है और मेनोपॉजल सिंड्रोम में भी ये बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है। महिलाओं के शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसको संतुलित करने का काम अलसी करती है और अलसी महिलाओं के पीरियड संबंधित लगभग सभी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए इनको महिलाओं को रेगुलर इसका सेवन करना ही चाहिए। अब अलसी के कुछ गुण मुझे आंखों के बारे में मिले पर मुझे उसका कंप्लीट डेटा नहीं मिला और मैं उस बारे में आपकी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे और भी बेनिफिट इसके देखने में है जो इसमें मिलते हैं। सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए भी अलसी बहुत कारगर होता है। ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का की मात्रा बढ़ाता है तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो रेगुलर इस तरह की शिकायत करते हैं उनके लिए कि कमजोरी लग रही है, स्पर्म काउंट कम हो गया है उनके लिए। क्या करें, अलसी का सेवन किस तरह से करें और अलसी को किस तरह से उपयोग किया जाए? आप अलसी को बहुत सारे रूप में उपयोग कर सकते हैं। या तो आप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार कच्चा खाएं, या आप अलसी को, जिनके दांत नहीं है या कमजोरी है, जो बुजुर्ग चबा नहीं पाते, वो अलसी को ऑयल के रूप में ले लें। अलसी तेल के आप घर में चाहें तो पराठे बनवा सकते हैं और इसको पूरी भी खाने का शौक है तो वो अलसी तेल से खा लें। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है हम लोगों ने और हम लोगों ने इसको अपने पेशेंट्स को दिया हुआ है, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और वो सभी अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर चुके हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अलसी को लेने का एक और तरीका मैंने बताया था। 2 चम्मच अलसी को यदि आप एक ग्लास गर्म पानी में डाल दें, पानी को उबालें और फिर उसको जिस तरह से वो बन जाता है काढ़ा, यदि आप उसको वैसे ही पी लें तो भी अलसी आपके पेट में जा रही है। अलसी को ज्यादातर पीस कर ना लें क्योंकि पीसने के बाद अलसी का जो ऑयल है वो कंटेंट निकल जाता है, केवल फाइबर्स बच जाते हैं। हमें ऑयल और फाइबर दोनों चाहिए। तो इस तरह से अलसी को लेने का तरीका मैंने आपको बताया है। और अलसी को लेने का एक और तरीका है, जो बुजुर्ग लोग यदि ऑयल नहीं यूज करते वो चाहें तो अलसी को पिसवा के उसका लड्डू बना लें, कुछ तो फायदा होगा। लेकिन कोशिश करें कि उसमें अलसी तेल रहे। अब आप चाहें तो उसमें अलसी तेल मिक्स करके लड्डू बनवा सकते हैं। तो थोड़ा मात्रा में यदि अलसी का तेल का लड्डू आप एक सुबह एक शाम को भी खा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये पीसा हुआ रहता है, पीसा हुआ पीस के इसको मिक्स करके आप बना सकते हैं। आप यदि डायबिटिक नहीं है तो गुड़ के साथ मिक्स कर लें, और डायबिटिक हैं तो फिर आपको दूसरे तरीके देखने पड़ेंगे जिससे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए।
ये एक बहुत अच्छा तरीका है यदि आप अलसी को सेवन करें। सबसे जो आसान तरीका मुझे लगा वो अलसी तेल के पराठे या अलसी तेल की को सब्जी में यूज करना। और उससे भी आसान तरीका यह है, क्योंकि अलसी तेल का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा आपको पसंद नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। और उससे भी आसान तरीका है कि 2 चम्मच अलसी लेकर आप 1 गिलास पानी में डाल दें, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उबाल मारें और ठंडा होके पी लें। आप चाहें तो अपने लिए टेस्ट उसमें मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा मीठा या थोड़ा सा नमकीन, ये बहुत अच्छा होगा कि आप कोई टेस्ट ना ऐड करें। तो ये है तरीका और अलसी के बेनिफिट्स, अलसी के बारे में सारी जानकारी जो आपको आपके हेल्थ को सुधारने के लिए, आपके हार्ट को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके स्किन को सुधारने के लिए जरूरी है, आपके ज्वाइंट्स को सुधारने के लिए जरूरी है। क्योंकि नेचुरल बॉडी के जितने भी बॉडी फ्लूड्स हैं उसके लिए अलसी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3-6 होता है और 9 भी मिलता है, ओमेगा 3-6-9 सबसे ज्यादा मात्रा ओमेगा 3 की होती है, जो कि एक बहुत अच्छा फैटी एसिड है और आपके लिए बहुत जरूरी है। आशा है ये वीडियो अलसी पर जो बना है ये आपके लिए बहुत काम आएगा, और ये प्रैक्टिकल वीडियो है, करिए और आप खराब कोलेस्ट्रॉल से अपने बॉडी को बचा पाएंगे, अपने हार्ट को बचा पाएंगे जो बहुत जल्दी बीमार हो रहा है, और आप बहुत जल्दी बीपी की जो दवाइयों में जा रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। इस चैनल का उद्देश्य आपके को दवाइयां बताना नहीं है, इस चैनल का उद्देश्य है आपको हेल्दी बनाना, और हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि आप खुद से मेहनत करें, अपनी बॉडी पर मेहनत करें, अपने आप पर मेहनत करें, अपने खाने पर मेहनत करें, अपनी जीवन शैली पर मेहनत करें, अपने आप को वॉक पे ले जाएं, रोज वॉक करें, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी आपको लगभग कोई भी एक एक्टिविटी आपको रोज करनी है। और अपने खाने में विशेष बदलाव करें, हरी सब्जियां सलाद खूब मात्रा में लें, और खाने में जितना हो सके मीठा और नमकीन कम से कम रखें, बहुत ज्यादा मीठा खाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नमकीन चीजें नहीं खाना है, बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार सेवन ना करें, एक संतुलित जीवन जिएं, और लंबे समय तक फिर आप देखेंगे कि आप निरोग रहते हैं। ऐसा वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। और यदि आप शेयर करते हैं तो उन सभी लोगों तक शेयर करें जहां आप चाहते हैं कि ये बेनिफिट अलसी के बारे में पता चले और लोगों के जो मिथ्या भ्रम है वो दूर हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।